हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ओम्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ है क्या। देखिए मैंने लिखा यहां पर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बेसिकली जैसा कि आप सबको भी मालूम है दोस्तों कि ओम्स लॉ एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक लॉ दिया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। वो लॉ क्या है हम लोग इसके में देखिए। बेसिकली उन्होंने करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन निकाला था। आखिर ये रिलेशन निकालने के लिए उन्होंने क्या किया था, तो देखिए मैंने कहा कि एक कंडक्टर ये लिया हमने, एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है जिसके क्रॉस एक हमने बैटरी अप्लाई कर लिया, एक बैटरी अप्लाई किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस लेट वी नॉट है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी नॉट है इस कंडक्टर के क्रॉस। अब हमें इस कंडक्टर इस सर्किट में या इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है और इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल है, इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया था ओम्स लॉ ने। तो ध्यान रहे इस कंडक्टर का अगर हमें करंट चाहिए कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसी कंडक्टर के सीरीज में हम एक एमीटर लगा देते हैं। ये एमीटर करंट का वैल्यू बताएगा कि कितना करंट इस कंडक्टर में है, करंट का वैल्यू बताएगा कि कितना करंट इस कंडक्टर में है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज हम लोग क्या करेंगे इसी कंडक्टर के अक्रॉस पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा देंगे इसके कंडक्टर रहे इस कंडक्टर के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर धर रहे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर ये वाली जो ये वाली वायर है यहां से भी कनेक्ट कर देंगे हम तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लान ध्यान रहिए यहां से वायर कनेक्ट करने से ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों जो वोल्ट मीटर और एमीटर डिवाइसेस हैं वो आइडियल होने चाहिए। अगर आइडियल होगा तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, इसे अंदर भी रख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो अभी फिलहाल में हमने जो लिया है मान लीजिए वो आइडियल वोल्ट मीटर और आइडियल एमीटर है। सर्किट को जैसे ही हमने यहां पर मान लो क्लोज किया, एक की लगाया है, जैसे ही क्लोज किया तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। तो ओम्स लॉ ने बार बार प्रैक्टिकल करके ये देखा कि करंट का वैल्यू बढ़ाने से वोल्टेज चेंज हो रहा है या करंट का वैल्यू वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाने से करंट चेंज हो रहा है। तो उन्होंने देखिए अल्टीमेटली ये पाया कि जो करंट और वोल्टेज इस सर्किट में जो करंट है आई और इसके क्रॉस जो वोल्टेज वी है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ये पाया ओम्स लॉ ने सर्किट में। ध्यान रहे करंट ध्यान पहले फिर एमीटर जो होगा वो सीरीज में लगाएंगे, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगाएंगे इस कंडक्टर की, और इस कंडक्टर से जो करंट और वोल्टेज यहाँ पे हमें मिल रहा है इन दोनों के बीच में रिलेशंस प्रैक्टिकली देखा ओम्स लॉ ने, तो हमें मिला कि जो वी प्रोपोर्शनल टू होगा वो क्या होगा आई होगा, वी जो है आई के प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनल है तो हम लोग एक बीच में क्या लगाएंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो उनका कहना था वी प्रोपोर्शनल टू अगर आई है सो दिस वी इक्वल टू लिख सकते हैं आई इनटू आर। आर यहां पर क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को एक नाम दिया गया, उसका नाम था रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया गया रेजिस्टेंस। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम क्या होगा रेजिस्टेंस। सो यार देखिए V इक्वल्स टू आई आर, तो हमने कहा ये ओम्स लॉ है इसे ओम्स लॉ कहते हैं और इस R को हम लोग नाम दे देते हैं यहां पर अब रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस। या आप ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज अपॉन करंट को हम लोग क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मैं फिर बोल रहा हूं ओम्स लॉ बेसिकली क्या है, किसी भी कंडक्टर या किसी भी वायर के थ्रू करंट और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश किया था ओम्स लॉ ने। वो रिलेशन ये था कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट या करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, मींस वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाने से करंट घटेगा, ये था ओम्स लॉ। यहां तक हमने डिस्कस किया ओम्स लॉ में। फाइनली हमें एक चीज मिला रेजिस्टेंस। आखिर ये रेजिस्टेंस होता क्या चीज है, रेजिस्टेंस है क्या। देखिए नाम जैसे इसका नाम रखा गया ना रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये कुछ रजिस्ट करता होगा। क्या रजिस्ट करता है ध्यान रहे, जो करंट का फ्लो चार्ज का जो फ्लो है उसी फ्लो को रजिस्ट करता है। इसका मतलब कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टीज एक ऐसा फैक्टर जो
चार्ज फ्लो का अपोज करे दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। फिर सुन लीजिए, कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी जो चार्ज फ्लो का क्या करे, अपोज करे, रेजिस्ट करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं। कभी कभी बच्चों को लगता है सर ये कैसे रेजिस्ट करेगा, धारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बहुत सारे अदर लैटिस भी होते हैं मटेरियल्स में, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो लैटिसेस के साथ कोलिजन होता है उनका, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ लैटिसेस के साथ कोलिजन। कोलिजन होने का मतलब है कि आसानी से फ्लो नहीं होने देगा, और वो आसानी से फ्लो नहीं होने वाला जो कोलिजन, जितना ज्यादा कोलिजन होगा जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, कह सकते हैं कि उस मटेरियल के पास रेजिस्टेंस उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने से ध्यान रहे करंट की वैल्यू कम हो जाती है वोल्टेज ज्यादा होने के बावजूद भी। क्लियर है मेरा बात? तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है ये हमें आई थिंक सो पता चला। मैंने बताया कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, हालांकि मैं अब उस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने की बात करता हूँ। ओम्स लॉ आई थिंक सो सबको समझ आ गया है। तो चलिए अब हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कैलकुलेट करके देखते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कैलकुलेट करें अगर हम लोग, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए ये कंडक्टर है, जिसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया गया है और जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसका जो लेंथ है वो मान लीजिए कितना है, L है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो N है। इस कंडक्टर में अगर हम लोग बात करें करंट का, तो करंट हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू एन ई ए वी डी, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एन ई ए वी डी, एंड E की वैल्यू हो जाएगी हमें V बाई एल, और वी डी की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें, एन ई ए वी डी की वैल्यू पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा यहां पर ई अपॉन एम इनटू टाउ, एंड ई का वैल्यू पुट कर लेते हैं, सो आई इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इनटू ए, एंड ई की वैल्यू आ जाएगी वी बाय एल। फाइनली अगर हम यहां पर वी निकालें, वी तो वी की वैल्यू आ जाएगी एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये टर्म ऊपर जाएगा और बाकी टर्म नीचे, एल बाय ए इनटू आई। मैंने यहां पर वोल्टेज निकाल लिया इस फॉर्मूले से, करंट वाले फॉर्मूले से। अगला बात करते हैं ओम्स लॉ। हमने लिखा है फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल्स टू आर इंटू आई। ओम्स लॉ से वी का वैल्यू ये होगा, और हमने वैसे करंट के डेफिनेशन से वी का वैल्यू ये लिखा है। फिर अगर हम इन दोनों को एक साथ करके देखें, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो V अगर हम दोनों इक्वेट करें दोनों को, सो R की जो वैल्यू आनी चाहिए वो आएगी M अपॉन एन ई स्क्वायर टा इंटू एल बाय ए, दिस इज द रेजिस्टेंस। ये जो आया है वो रेजिस्टेंस है। अच्छा अगर हम लोग एक बात ध्यान है दोस्तों कि ये जो यहां पर हमने इन्हें कंपेयर करके लिखा R इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टा एल बाय ए, ये रेजिस्टेंस है। कंडक्टर की बात करें तो ध्यान रहे कंडक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, कंडक्टर का जो डायमेंशन है लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये दोनों फैक्टर इस रेजिस्टेंस में है। साथ में एक और फैक्टर है जो कंडक्टर का ध्यान रहे इंटरनल प्रॉपर्टीज है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास जो कभी नहीं बदलेगा, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है एन, वो ध्यान रहे उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, और जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। तो ये इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। इस फैक्टर को एक नया नाम देते हैं, उसका नाम होता है रेजिस्टिविटी। क्या नाम होता है, रेजिस्टिविटी, दिस इज रो एल बाय ए, जहां पर ये जो रेजिस्टिविटी होगी रो, उसको हम लोग लिख सकते हैं एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, रो को हम लोग लिख सकते हैं एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये आपका रेजिस्टिविटी है या ये रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टेंस देखिए, अगर हम लोग बात करें कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो हमने यहां लिखा रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन। अच्छा देखिए, पहला तो एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा,
बच्चा यहां बहुत कंफ्यूज होता है रेजिस्टेंस को लेके, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन क्या कंफ्यूजन होता है बच्चा बता, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है V बाई I, मैं बोलता हूँ हाँ एकदम सही बात है, ओम्स लॉ का अकॉर्डिंग R इक्वल्स टू V बाई I, तो बच्चा बोलता है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड करंट, लेकिन ध्यान है दोस्तों रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट दोनों पे डिपेंड नहीं करता है किसी कंडक्टर का, कंडक्टर का रेजिस्टेंस V और I पर डिपेंड नहीं करता। आंसर आता है ऐसा क्यों, तो आप देखिए अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे करंट घटेगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे करंट भी घटेगा। इसका ये मतलब है कि V बाई I का जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो किसी गिवन कंडक्टर के लिए R की वैल्यू कांस्टेंट होती है, दैट डजंट डिपेंड्स ऑन V एंड I, V और I पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब ये बात यहां क्लियर होना चाहिए, R जो होता है R वो डिपेंड नहीं करता है, देखिए डज नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड I, एक बात ध्यान रखिएगा ना, आर कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस वी और आई पर डिपेंड करता है। फिर आप बात आता है आखिर किस बात पर डिपेंड करता है, तो देखिए जैसा कि यहां फॉर्मूले में हमने निकाला है, लेंथ ऑफ घर है आर डिपेंड करता है, बट डिपेंड्स करता है किस पे, बोलिए पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ कंडक्टर, दोनों को मिला के हम लोग क्या नाम देते हैं, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। तीसरा ये जो एन बेसिकली मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो इसका मतलब कहते हैं हम लोग नेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के नेचर पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। द लास्ट वन इज टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, तो नेचर पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर मतलब डायमेंशन पर और टेम्परेचर पर और मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किन किन बातों पर डिपेंड करता है, ये बात हमें समझ में आ गया है, बस टेम्परेचर ही देखिए, बाकी तो फैक्टर चेंज करके पता चल, टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज करेगा ये बात करते हैं। तो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज करेगा, देखिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाने से, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टाउ के बारे में बात करते हैं, टाउ बढ़ने से थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, कोलिजन जल्दी जल्दी होगा, और रिलैक्सेशन टाइम अगर घटता है तो रेजिस्टेंस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, देखिए रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, एक और फैक्टर, एंड रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी भी आप देख फॉर्मूले में देख सकते हैं, रेजिस्टिविटी भी क्या करेगा इंक्रीज, देखिए रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला था, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। इन दोनों में देखिए टाउ घटने से ये दोनों क्या करेंगे, राइज करेंगे। चलिए एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं, बहुत बार ऐसा है कॉम्पिटिशन जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी, और बच्चा पता है कभी कभी गलती से ये हमेशा लिखता है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, मैं बोला रेजिस्टिविटी नॉट रेजिस्टेंस, थोड़ा सा वर्ड में कंफ्यूजन डाल के परेशान करते हैं बच्चों को, हमें रेजिस्टिविटी, बच्चा को कभी कभी रेजिस्टिविटी बोलता है बच्चा रेजिस्टेंस समझ लेता है, तो लेकिन ध्यान रहे नहीं समझना है, रेजिस्टिविटी डजंट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि रेजिस्टेंस डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है, भिजमी बात डाल लो, हाँ रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा नेचर पर भी और साथ में टेम्परेचर पर भी, बट इट डजंट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो डायमेंशन पर नहीं डिपेंड करता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटीरियल एंड टेम्परेचर। हमारा क्लियर, सबको क्लियर है मेरा बात, तो चलिए ओम्स लॉ हमें समझ में आ गया और हमें यह भी समझ में आया कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है और उसका क्या फॉर्मूला है, यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए एक और बात डिस्कस कर लेते हैं कि ओम्स लॉ में हम एक ग्राफ बनाते हैं और हम वहां से बताते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो ओमिक है या नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। तो कंडक्टर्स भी देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है ओमिक जो ओम्स लॉ फॉलो करता है, दूसरा नॉन ओमिक, जैसे सेमीकंडक्टर है ऐसा सब्सटेंसेस है जिसमें करंट तो फ्लो होता है लेकिन वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। तो ओम्स लॉ कहां फॉलो होगा हम इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखिए यहां पे ध्यान दीजिए,
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम सबको मालूम है कि वी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आई, वी और आई आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम लोग ग्राफ बनाए यहां पर वी और आई के बीच में, सो ग्राफ बिल्कुल क्या आएगा, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एंड हमें मालूम है सिंस दिस वी इक्वल्स टू आई आर, सो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप देखिए, स्लोप इज इक्वल टू टाइम थीटा, जैसे वाई इक्वल्स टू एम एक्स का फॉर्म में है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर। तो वी और आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस होता है। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो कंडक्टर क्या होगा, बोलिए, कंडक्टर होगा ओमिक। देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं एक और कि अगर कभी आईवी कर्व हो, आईवी कर्व हो और वो भी स्ट्रेट हो तो उस केस में जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू वन अपॉन आर, ये वन अपॉन आर होगा। और जिस केस में ध्यान रहे ग्राफ वी और आई का स्ट्रेट होता है दैट कंडक्टर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। देखिए ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर वो होता है जिसमें v प्रोपोर्शनल टू i या v और i का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, मतलब कंडक्टर विच फॉलो ओम्स लॉ नोन एज ओमिक कंडक्टर, द कंडक्टर विच फॉलो ओम्स लॉ नोन एज ओमिक कंडक्टर। माई क्लियर? अच्छा, द कंडक्टर विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ is non-ohmic conductor. The conductors which do not follow Ohm's law is non-ohmic conductor. तो non-ohmic conductor की बात करें, जैसे कि semiconductor. Non-ohmic conductor जैसे कौन है? Semiconductor. देखिए, अगर हमने कहा कि हमारा V और I graph, जैसे V और I का graph, अगर इस तरह से है, इस तरह, इसका मतलब ध्यान रहे V is not proportional to I. अगर ऐसा है, so ध्यान रहे, so जो conductor होगा is non-ohmic, non-ohmic, non-ohmic मतलब do not follow Ohm's law, और non-ohmic का example कौन है? Semiconductor, ये non-ohmic conductor होंगे। हमारे clear दोस्तों? तो चलिए resistance के बारे में पता चला, अब हम बात करेंगे resistances को parallel और series में connect करेंगे, तो what is the equivalent resistance? Equivalent resistance क्या होगा? या किसी भी conductor में dimension में changes करते हैं तो resistances कैसे change होंगे? ये हम discussion करते हैं और इसके लिए हम लोग बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।